नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल BPSC डीमिस्टिफाइड में। देखिए दोस्तों, हम लोग ने करंट अफेयर के 10th पार्ट बी तक कंप्लीट कर लिया था और ये आखिरी पार्ट है। हो सकता है ये 812 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो हो सकता है दो पार्ट में आए दोस्तों। तब तक के लिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं ये करंट अफेयर का MCQ, ठीक है ना। जो हम लोग अभी कुछ देर पहले थ्योरीज़ पढ़ी थी, अब उसके हम MCQ करने की अब बारी है, ठीक है। बिना फर्दर डिले किए हुए MCQ को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रिसेंटली अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नेवल एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ था? हुआ था सऊदी अरेबिया के बीच में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2025 एज द स्पेशल टूरिज्म ईयर? वो कौन सा है? नेपाल है आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वेयर हैज़ हैरिस पार्क एज लिटिल इंडिया रिसेंटली, ठीक है ना, रीनेम्ड एज लिटिल इंडिया रिसेंटली? वो कौन है आपका? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया ऑपरेशन करुणा टू रिलीफ रेस्क्यू इन विच कंट्री अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? वो कौन है आपका? आपका वो है म्यांमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, PM नरेंद्र मोदी ने कन्फर्ड किया है विच कंट्री हाईएस्ट अवार्ड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी? वो किसको मिला है? वो मिला है आपका फिजी को, ठीक है। कौन है जो IPL 2023 का टाइटल जीता है हाल ही में? वो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स। विच ऑफ स्टेट हैज़ अचीव 100% कवरेज ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? वो है आपका तेलंगाना स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च टाइफून अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल? वो है आपका तुर्की है। इसका नाम बदल दिया गया, तुर्की से तुर्की रख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्या वेयर वॉज द 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज रिसेंटली? वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वॉज द 3rd गेम्स इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इनॉग्रेटेड रिसेंटली? वो है आपका कहाँ पे? उत्तराखंड में। हु हैज बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन टू गो इन टू द स्पेस? वो आपका कौन है? रयान बरनबे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा स्टेट टूरिज्म? वो है ना सौरभ गांगुली हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट होता किस ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? वो है आपका, वो है 22 मई को। कौन सा टेनिस प्लेयर है जो जीता है मेंस सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन 2023 में? वो है डैनियल मेदवेदेव, ठीक है ना। हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया न्यू मास्टर कार्ड सस्टेनर MCG ऑफ इंडियन आर्मी? वो कौन है आपका? अमरदीप सिंह आहूजा हैं। हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट किया गया न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ किरण रिजिजू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? वो कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 करता है, सिद्धारमई हैज़ बिकम द न्यू 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ साउथर्न स्टेट? वो कौन सा स्टेट है? वो है आपका कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस विद द अबाउट विच डिजीज़ अ नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस कंट्री ऑन 16th मे एवरी ईयर? वो कौन सा आपका स्टेट है? वो कौन सा है स्प्रेडिंग, वो है बीमारी का नाम है डेंगू है, ठीक है, मलेरिया नहीं है, डेंगू है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, विच इंडियन स्टेट है सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे ऑन 16th ऑफ मे 2023? वो कौन सा स्टेट है? सिक्किम है स्टेट, उसने किया है। हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया CEO ऑफ माइक्रो बिलोंगिंग साइट ट्विटर का किसको किया है? लिंडा याक्रिनो को। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्या फास्टेस्ट बैट्समैन तो स्कोर फास्टेस्ट 50 वो कौन अभी है? हमारे तेजस्वी यशस्वी जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, अरे तेजस्वी नाम नहीं है, तेजस्वी आदमी है लोग, ठीक है ना, थोड़ा जोक सपाट समझा कीजिए, केवल पढ़ाई में मत ध्यान दीजिए। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फैशन ब्रांड गुकी? ठीक है ना, गुकी है, गुच्ची है या क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है, ठीक है। वो कौन है? गुची है या जो भी है, कौन सी भी ची है वो आप लोग देख लीजिएगा, वो है आलिया भट्ट, ठीक है, चीचा आप लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। कोई विच फीमेल प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर 2023? वो है आपका कौन? नरुमल चैवई हैं, जो थाईलैंड के हैं। कौन सा मेल प्लेयर है हाल ही में जो जीता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2023? वो है आपका फखर जमान है, पाकिस्तान के। कौन सा मेल स्पोर्ट्समैन है जो रिसेंटली जीता है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ द ईयर 2023? वो आपका कौन है? वो आपका है लियोनेल मेसी।
हाल ही में विनर है पुलित्जर प्राइस 2023 के जो अनाउंस किए हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो है जर्नलिज्म से रिलेटेड। हाल ही में शबनीम इस्माइल जो है एक फीमेल प्लेयर हैं, शबनीम इस्माइल जो बिलोंग करती हैं किस कंट्री से, हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं दोस्तों बताइए, वो हैं साउथ अफ्रीका से। क्या रैंक है इंडिया का 180 कंट्रीज़ में हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में, वो है 161वां। हाल ही में अपॉइंट किया गया है न्यू MD CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ अतन कुमार दास के जगह पे किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है रजनीश कर्नाटका को, ठीक है ना। तीसवा क्वेश्चन है फाउंडेशन डे स्टेट किसको, कौन से स्टेट को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 1 मई पे, वो कौन सा स्टेट है, वो स्टेट है आपका महाराष्ट्र और गुजरात। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चेस चैंपियन प्लेयर ऑफ द चाइना, वो है कौन, डिंग लेरेन है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI, वो कौन है आपके, पंकज सिंह है। कौन सा एक्टर है जिसको अवार्ड मिला है फिल्मफेयर अवार्ड आपका 2023 का फिल्मफेयर अवार्ड मिला है आपको राजकुमार राव को। कौन से पहला विलेज है जो इंडिया का जिसे बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो आपका है माना उत्तराखंड में। कौन सा स्टेट है इंडिया का पहला वाटर मेट्रो सर्विस प्रोवाइड जहां इनॉग्रेट किया जा रहा है, वो आपका है केरला का। कौन सा स्टेट है जो रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री अप्रूव द स्टेट गवर्नेंस रेगुलेशन, वो है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट। कौन सा कंट्री है जो जीता है सुधीरमन कप 2023 टाइटल फॉर रिकॉर्ड 13th टाइम, वो कौन जीता है, चाइना ने। हाल ही में प्रेस ने जीता प्रेस्टीजियस पुलित्जर अवार्ड 2023 फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, वो कौन है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने। वेयर वाज द पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 ऑफ द क्लाइमेट चेंज फ्रॉम May 1 to 2023, वो कहाँ पे हुआ आपका, बर्लिन जर्मनी में, पिट्सबर्ग के बारे में पूछ रहा है। विच स्टेट प्लेयर ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ दोहा डायमंड लीग 2023, किसने जीता है दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब, वो है आपके नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन से रिलेटेड। कौन बन गया है पहला इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रेवल टू पिलग्रिमेज, वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में डिक्लेयर किया गया है किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम बाय द ICC, किसने स्पॉन्सर किया है, वो है एडिडास ने। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज हैज़ बीन इनाग्रेटेड रिसेंटली, वो कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में। एट विच प्लेस 125 फीट का स्टैचू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनवील किया गया है, बैंक ऑफ हुसैन सागर लेक, वो कहाँ हुआ है आपका, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है क्या कौन सा स्टेट है जो फेमस तुलजा भवानी टेम्पल का लोकेटेड है, जहाँ पर तुलजा भवानी मंदिर आपको पता ही होगा कहाँ पर, वो महाराष्ट्र में है, एक वहाँ पर जगह का भी है तुलजा भवानी नगर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 46, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू रिटर्न हाउ मेनी रुपीज नोट, वो तो है आपका 2000 का नोट, ठीक है। गुजरात कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज नेम जल राहत इन विच स्टेट, और किस स्टेट में हुआ है, वो हुआ है आसाम स्टेट में। हाल ही में किस कंट्री ने ऑनर किया है कैवलियर डे ला लीजन डे ऑनर हैज़ बीन कन्फर्ड टू टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर, वो आपके कहाँ के हैं, फ्रांस के, फ्रांस कंट्री ने इनको ऑनर दिया है, ये जो भी है चैवलर डे ला लेजन डे ऑनर जो है। वेयर डिड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन May 8, 2023, इट्स ऑन चंडीगढ़। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप ऑफ द इंडियन नेवी हैज़ बीन डीकमिशन आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विस, What is the name of this ship? वो कहने INS मगर। Which state government has launched the CM कौशल उन्नयन रोजगार योजना, वो कौन है आपका, उत्तराखंड। World Health Organization ने डिक्लेयर किया एंड COVID-19 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, वो बता सकते हैं कौन सा डेट है, कब किया था उन्होंने, वो किया था आपका 5 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टेट यूटी है जो रैंक करता है क्या
एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द रीसेंट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, वो है आपका कर्नाटका स्टेट। कौन रिसेंटली टेक ओवर किया 17th कमांडर इन चीफ, वो आपके हैं साजू बालकृष्णन। रिसेंटली हुआ हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल, वो हैं आपके प्रशांत डामले। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वेयर आर द न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड हैज बीन फाउंड। फ्लाइंग लिजर्ड अभी कहाँ हाल ही में फाउंड की गई है, वो मिजोरम में है। वो चिपकली उड़ती भी है और चिपक जाती है मुंह पे आकर के, देखते रहिएगा। ऐसा नहीं होगा सच दोस्तों, ऐसा आप लोग सपने में भी मत सोचिएगा, उसके लिए मिजोरम जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मिजोरम लोगों के वाले लोगों से मुझे कोई नफरत का भावना नहीं है, कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ, ये एक मजाक था, ठीक है। विच पोर्ट हैज़ बीन रिसेंटली हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड बाई सरबंदा सुनवाल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, वो आपका कौन सा है, वो है आपका कोचिन पोर्ट। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड लीगलाइज यूथेनेशिया, वो कहाँ पे है, पुर्तगाल में। सर्वे के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन इंडिया, वो आपका कौन है, नीदरलैंड्स है। वो पाला परनीत हैज़ रिसेंटली बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, टू स्टेट डस ही बिलोंग, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो है तेलंगाना से। 61वां क्वेश्चन है किस कंट्री ने रिसेंटली कन्फर्म किया है फर्स्ट पोलियो डेथ इन द ईयर 2023, वो कौन सा देश है, वो आपका है अफगानिस्तान। कौन सा स्टेट है रिसेंटली जीता है 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वोमेन नेशनल चैम्पियनशिप को, वो जीता है हरियाणा। हाल ही में चेयरमैन बनाए गए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैं आपके मनोज सोनी जी, ठीक है। विच स्टेट इज़ द हिम डाटा पोर्टल लॉन्च डिजिटल सर्विसेज, वो कौन सा स्टेट है आपका, हिमाचल प्रदेश है, हिम से हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। रिसेंटली दो कंट्रीज़ हैं जिस यहाँ पे 4th एडिशन ज्वाइंट एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हुआ है, वो ऑर्गेनाइज हुआ है किसके द्वारा, वो ऑर्गेनाइज हुआ आपका इंडिया और इंडोनेशिया के द्वारा। किस स्टेट गवर्नर ने लॉन्च किया है गीता कर्मकुला बीमा योजना, ठीक है, वो कहाँ है, तेलंगाना स्टेट में। 62 न्यू सैटेलाइट सैटर्न और द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, नाउ हाउ मेनी सैटेलाइट टू सैटर्न हैव इन टोटल, टोटल कितने हैं आपके, 145 सैटेलाइट हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट टूरिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव रजिस्टर्ड मैक्सिमम प्रेजेंस ऑफ श्रीलंका टूरिज्म सेक्टर, वो आपका है भारत का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा स्टेट है जो इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है उनको ऑनर किया गया है हाउ मेनी पीपल विथ कीर्ति चक्र एट द डिफेंस इन्वेस्टेचर सेरेमनी हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन ऑन May 9th ऑफ 2023, वो कितना हुआ है, 8। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इंडिया हैज़ वॉन अ मेडल ऑफ गोल्ड इन मेन डबल्स इन एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, वो कौन सा है, 58 ईयर। इंडिया स्टार्टेड ओपन सितवे पोर्ट इन विच कंट्री, वो है आपका म्यांमार। कौन बन गया है पहला स्टेट टू बिकम डिजिटल हेल्थ कार्ड चिल्ड्रेन के लिए आपको दे रहा है, वो है आपका रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला है क्या, विथ हुम इस प्रोजेक्ट संजय इज इन द न्यूज़ रिलेटेड, प्रोजेक्ट संजय जो है न्यूज़ में हाल ही में चर्चा का विषय में है, वो किस इससे रिलेटेड है, वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। बॉर्डर के पास बॉर्डर फर्स्ट बॉर्डर हार्ट इनॉग्रेटेड इन भोजगंज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में है, वो है आपका बांग्लादेश। किस डे को सेलिब्रेट किया था 15 मई 2023 को विद द थीम ऑफ फैमिली एंड डेमोग्राफिक चेंज, वो आपका है इंटरनेशनल फैमिली डे के हिसाब से। किस इंडियन अमेरिकन ने रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, उसको अपॉइंट किया गया है US इनवॉय फॉर वोमेन इशूज़ के लिए, वो है आपके गीता राव गुप्ता। किस कंट्री के फॉर्मर ऑलराउंडर प्लेयर हैं ग्रैंड ब्रैंडबर्न जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया न्यू कोच ऑफ पाकिस्तान, वो आपके कहाँ के हैं, वो आपके हैं न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मोनलैम चिनेमो जो है फेस्टिवल हैज़ रिसेंटली हेल्ड रिसेंटली, वो कहाँ पे हुआ है आपका, वो है आपका लेह में। कौन सा इंस्टीट्यूट है
टेक्नोलॉजी पार्टनर किया है DRDO के साथ टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, वो है आपका IIT मद्रास। किस सिटी की पुलिस ने रिसेंटली लॉन्च किया स्टे इन योर लेन कैंपेन, वो कहाँ है, सरजा की, ठीक है। वेयर इज़ द 3-डेट इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 हेल्ड फ्रॉम 18 to 20 May 2023, वो किया है आपका न्यू दिल्ली में। हु आर द फर्स्ट मुस्लिम वोमेन टू डू PG इन मलयालम लैंग्वेज हु पास्ड अवे रिसेंटली, हाल ही में उनका क्या हुआ है, निधन हो गया है, वो कौन है आपका, नबेसा उमाल। एट वॉट पोजिशन डिड इंडिया विन 14 मेडल इन एशिया कप स्टेज सेकेंड आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन ताशकंद, वो कहाँ पे है आपका, वो है आपका मतलब कौन से पोजिशन पे, वो फर्स्ट पोजिशन पे है। फिल्म जो है लव इन द 90s, ये फर्स्ट फिल्म है जो कि टैगिन कम्युनिटी को डेडिकेटेड, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जो है टैगिन कम्युनिटी बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। विच अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन है रिसेंटली हैज़ अपॉइंटेड एज अ डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन द US, वो कौन है आपके, वो आपके हैं रीता देवी हैं, रीता देवी जी को बनाया गया है। देखिए फिच रैंकिंग एस्टिमेटेड, फिच की जो रेटिंग है उसमें एस्टिमेट किया गया GDP ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024, वो कितना बताया गया फिच के अकॉर्डिंग 6%। By whom has a campaign named पोषण भी पढ़ाई भी been launched by किसके द्वारा ये जो है ये मुहिम को लॉन्च किया गया है, वो है हमारा जो हम जिसके द्वारा लॉन्च किया गया वो है स्मृति ईरानी। एक क्वेश्चन आपके लिए और है, स्मृति ईरानी को हाल ही में किस कॉन्स्टिट्यूशनल किस मिनिस्ट्री का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, उनके अंदर किस मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री आती है, ये क्वेश्चन आया आपका। Which edition of the Ocean Conference has been held in Dhaka on the Bangladesh on May 2013-2023, वो कितना है, 6th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कौन बन गया है पहला स्टेट भारत में टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक जो इम्प्लीमेंट कराया गया है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कौन सा स्टेट पुलिस है जो रन कर रहा है स्पेशल कैंपेन कॉल्ड ऑपरेशन मर्यादा टू मेंटेन क्लीननेस एट टूरिस्ट प्लेस, वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा कंट्री है फियगो वॉल्केनो जो रिसेंटली क्या है न्यूज़ में है, फियगो वॉल्केनो जो है आपका ग्वाटमेला में है। कौन सी वुमेन जर्नलिस्ट है जिनको इम्प्रेजेंट किया है ईरान की हैं, वो हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज 2023, उनका जो नाम है वो है ये कौन सी हैं ये पूछ रहा है, तो ये सारी की सारी वुमेन्स थी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए आंसर होगा। कौन सा कंट्री है जिसको गिवन दिस नेम साइक्लोनिक स्टॉर्म मूचा इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, वो कौन सा है आपका, यमन है ये नाम रखा है। विच कंट्री हैज नेम द जो साइक्लोन स्टॉर्म था मूचा जो बे ऑफ बंगाल में उठा था उसने उसका नाम यमन रखा था, यमन में, याद रखिएगा। एंटोनियो कारबाजल जो है पास हो गए हैं, मतलब कि पास हो गए मतलब एग्ज़ाम नहीं पास हो गए मतलब निकल लिए हैं, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है रिसेंटली। ही इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किससे एसोसिएटेड थे, वो थे फुटबॉल से। कौन सी कंपनी ने हाल ही में रिसेंटली रिप्लेस किया भारत पे एज द ग्लोबल स्पेंसर ऑफ द ICC, वो है मास्टर कार्ड ने इसको रिप्लेस कर दिया। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इनॉग्रेटेड साइंटिफिक प्रोजेक्ट हाउ मेनी करोड़ ऑन May 11, 2023, वो कितने का था, वो जो था 3470 करोड़ का था। विच स्टेट गवर्नमेंट इज इनाग्रेटेड श्री हैरियर म्यूजियम जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, वो कहाँ पे खुला है, आंध्र प्रदेश स्टेट में खुला है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड इन द भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड, वो है आपके योगी आदित्यनाथ जी को मिला है, ठीक है। कौन बन गया है पहला एथलीट टू विन बोथ लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, वो आपके कौन है, लियोनेल मेस्सी हैं, ठीक है, जो अर्जेंटीना के हैं। हाल ही में सिफ्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री ने टॉप किया ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, तो वो किया है आपका अमेरिका ने, ठीक है, वो किसने किया है, अमेरिका ने। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, किसने प्रेस्टीजियस हीरो कप 2023 फुटबॉल में क्या कहते हैं जीता है आपका
बेंगलोर एफसी जो है उसने क्या किया है, ये जीता है। नहीं ये मुझे लग रहा गड़बड़ मैंने बता दिया, बेंगलोर एफसी नहीं है, उड़ीसा एफसी जो है उसने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 का जो अब क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड जो ऑर्गेनाइज किया नाटो के द्वारा वो कहाँ पे हुआ है और मतलब कौन से किसके साथ हुआ है, वो तेलिन एस्टोनिया के द्वारा भी हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पे हुआ है। प्रकाश सिंह बादल के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाल ही में ये वो क्या कहते हैं पास हो गए हैं, मतलब कि उनकी मृत्यु हो गई है, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही बिलोंग, ये गया शिरोमणि अकाली दल के ये पार्टी से क्या करते थे बिलोंग करते थे। ठीक है, अब क्या है, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करी है कोप ऑफ इंडिया 2023 ईयर एक्सरसाइज में, वो है आपका इंडिया और अमेरिका है। किस कंट्री ने ऑनर किया गया रतन टाटा को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है क्या, व्हाट विल द फर्स्ट सिटी इंडिया, व्हाट बाय व्हाट नेम विल बी द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया बी नोन, वो किसके नाम से जाना जाता है, वो माना उत्तराखंड है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, वो है आपका 38वां स्थान से है। थीम जो है वर्ल्ड अर्थ डे का जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है वो क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, अब क्या है, हाल ही में राइटर है तारिक फतेह जो बिलोंग करते हैं किस कंट्री से, उनकी 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई है, ये पाकिस्तान के थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 में क्या था, नेशनल पंचायती राज डे, क्वेश्चन कहता है नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, कौन बन गया फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 7000 रन इन T20 क्रिकेट, वो आपके हैं, आपके क्या हैं, हम सब के हैं KL राहुल ने ये करिश्मा कर दिखाया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन कावेरी टू ब्रिंग बैक 500 इंडियन स्टूडेंट इन विच वॉर टॉर्न कंट्री, ये कौन है आपका, सूडान है। ठीक है, किसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ 10 रिचेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, वो है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है क्या, किसको अपॉइंट किया गया स्पोर्ट स्टार स्पोर्ट्स इज इट्स बिलीव एम्बेसडर, वो कौन है, ऋषभ पंत है। स्पीडी करंट अफेयर प्लीज़ इसको सही करें, ऋषभ कई लोग मार के चले जाएंगे, एग्जाम में रहेगा ऋषभ पंत। वैसे हमारे क्रिकेट टीम वैसे ही इतनी फेमस है कि लोग हर के जवान पे ऋषभ पंत का नाम है। ऋषभ पंत जी आप जो जल्दी स्वस्थ होइए, ठीक है, बहुत जल्दी आपको इंडियन क्रिकेट टीम में हम सब देखना भी चाहते हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 116। ठीक है, 116 कहता है क्या, कौन सा पहला हु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री अडॉप्ट वाटर बजट रिसेंटली, वाटर बजट हाल ही में किसने किया है, वो किया है केरल स्टेट ने। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसको स्टार्ट किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड स्कीम किया है, केरला स्टेट। एट विच ग्राउंड विल द फाइनल मैच IPL 2023 विल बी प्लेड, फाइनल मैच खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, कौन सा IIT है जिसको सून सेटअप किया जा रहा है इंटरनेशनल कैंपस अफ्रीकन कंट्रीज तंजानिया में, कौन कर रहा है, वो IIT मद्रास है आपका। ठीक है, चलिए किसको बनाया गया है नया चेयरमैन NTRO का हाल ही में चेयरमैन बनाया गया अरुण सिन्हा जी को, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड, वो है आपका दीपिका मिश्रा जी हैं। ठीक है, इन विच स्टेट असेंबली वॉज द फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास रिसेंटली, वो कब हुआ है, किसके द्वारा कब पास हुआ है और किस स्टेट के द्वारा पास हुआ है, वो हुआ है तमिलनाडु के द्वारा। कौन टॉप किया है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में, जो कि हुरून के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वो है अमेरिका। विच ब्यूटी हैज़ वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2023 क्राउन रिसेंटली, हाल ही में कौन सी वो सुंदरी हैं जिनको मिला है, वो नंदिनी गुप्ता जी हैं हमारी। ठीक है, विच स्टेट सेलिब्रेट 75th फाउंडेशन डे ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2023, तो वो आपकी कौन सा स्टेट है, वो हिमाचल प्रदेश है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट इन IPL, वो कौन है, कसिगो रबाडा है। ठीक है, कसियागो रबाडा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाते हैं। ग्रेट मैन बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होता है 14 अप्रैल को ऑल ओवर इंडिया, वो किसके लिए मनाया जाता है? वो मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर के लिए। हु हैज ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, वो है कौन? आशा पारेख नहीं है भैया, तो आशा भोसले। ऐसे ही एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में, ऐसे इससे क्या करना है, दूर रहना है। कौन सा सिटी है इंडिया का जो 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ है, जहाँ पे वो ऑफिस ओपन हुआ है आपका बेंगलुरु में। किस कंट्री को रिसेंटली लॉन्च किया गया है फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट टाइफा वन? टाइफा वन क्या नाम है, टाइफा वन क्या किया है, वो केन्या का है। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर विल सेटअप, वो कहाँ पर सेटअप किया गया है, वो किया गया उत्तर प्रदेश में। हाल ही में लॉन्च किया गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्टारशिप, वो फेल हो गया है, वो किसने लॉन्च किया है? अभी मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, वो है स्पेसएक्स। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ प्रवासी भारतीय सम्मान, भारतीय सम्मान के उससे किया गया है, वो है राज सुब्रमण्यम है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। कौन सा इंडियन आर्मी है, भैया एक ही इंडियन आर्मी है, मैं भी पागल हो गया हूँ। इंडियन आर्मी है जो टाई किया गया है किस यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल, किस यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है, वो तेजपुर यूनिवर्सिटी है जो आसाम का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नेम, वो क्या नाम है उसका, हम लोगों ने कल भी देखा था, वो था रैपिडक्स। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली पास किया बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग किस स्टेट ने हाल ही में बैन करने के लिए ये मुहिम उठाया है, वो है तमिलनाडु स्टेट। क्वेश्चन नंबर 39 है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 जो अस्ताना कजाकिस्तान में होने वाला है, इंडिया ने फिनिश किया 7th रैंक के साथ, उसमें भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए, वो है 14 मेडल। हाल ही में थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट हुआ जो 7 अप्रैल को, उसमें क्या इम्पोर्टेंट था, उसका थीम था क्या, हेल्थ फॉर ऑल। हाउ मेनी US डॉलर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय US एज द 36 सिक्योरिटी पैकेज ऑफ यूक्रेन, वो कितना था, $325 मिलियन। हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन सेंक्शन बाई नेशनल क्वांटम मिशन के लिए, कितना सेंक्शन किया गया, वो 6,000 करोड़ रुपये। कौन सी पहली भारतीय वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको इलेक्ट किया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो आपकी कौन है, हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ हाउ मेनी करोड़ हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो कितना किया है, 638 करोड़ का किया गया है। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है यूथ पोर्टल नई दिल्ली का, न्यू दिल्ली में इन्होंने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है उस, वो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किस सिटी में एप्पल का कंपनी ने पहला लॉन्च किया है स्टोर, वो है मुंबई में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पीएम मित्र पार्क, तो हरदोई में भी किया है, लखनऊ में भी किया है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं क्या है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री को संगठन से समृद्धि कंपेन चला रहा है, संगठन से समृद्धि जो कंपेन है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वो है गिरिराज सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है, ये यूनियन मिनिस्ट्री जो है यूनियन मिनिस्टर उनके द्वारा चलाया जा रहा है। कौन से सिटी है डिड द मीटिंग ऑफ G20 इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप टेक प्लेस, कहाँ हुआ है, हैदराबाद में। कौन सा स्टेट है जो बन गया है पहला टू प्रिपेयर DNA डेटाबेस आइडेंटिफिकेशन एंड अनडिफाइंड डेड बॉडीज, वो कौन है आपका, हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फसल बीमा योजना, वो आपका कौन सा है, कौन सा स्टेट है, वो है आपका कर्नाटका स्टेट है, उसने किया। हु हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ नाटो, वो कौन सा है स्टेट है आपका, मतलब कंट्री है, वो फिनलैंड है। हाल ही में पहली फीमेल अंपायर बनाई गई हैं टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो है किम कॉटन। इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया वोट फ्रॉम होम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, वो किस स्टेट से
स्टार्ट किया है वो है आपका कर्नाटका स्टेट से, ठीक है। वेयर वॉज द फाउंडेशन डे ऑफ रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? रिसर्च बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कब सेलिब्रेट हुआ है आपका? 1 अप्रैल को। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो कि लॉन्च किया गया है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो कितना है, पॉपुलेशन कितना है आपका, वो है 182.86 करोड़। वाट इज़ इल्सा वॉज इन द न्यूज़? ये क्या है इल्सा, क्या है जो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली पाया गया है? इल्सा क्या है? एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। विच ट्रांसजेंडर हैज़ बीन बिहार बीन मेड बिहार स्टेट इलेक्शन स्टेट आइकन? वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है मोनिका दास को। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब? वो है टोयोटा। कौन बन गया है पहला इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन आईपीएल 2023? वो है आपका वेंकटेश अय्यर। वेयर वॉज द 100th मीटिंग ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? वो कौन है? वाराणसी में। कौन कंट्री ने क्लोज किया है लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर? ठीक है, किसने किया है? वो किया जर्मनी ने। किस कंट्री को बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? वो है आपका USA। क्वेश्चन नंबर 164 पे आ जाते हैं। हाल ही में किस स्टेट ने कम्बम ग्रेप्स को दिया है GI टैग? कम्बम ग्रेप्स को GI टैग आपको किसने दिया है? वो दिया है तमिलनाडु ने। कौन सी सिटी है जो वॉज द ट्रायल ऑफ द अंडर वाटर मेट्रो डन फर्स्ट टाइम? वो कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द वोमेन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 में? वो किसने किया है आपका? कितने मेडल मिला है? 7 मेडल मिला है। कौन सी कंपनी है जो दी है स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 में दिया है? वो दिया है आपका सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने टाई अप किया है होम टू डेवलप सिक्योर मैरिटाइम कम्युनिकेशन के साथ? वो किया है आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है, किया है। किस स्टेट गवर्नर ने हाल ही में ओबीसी स्टेटस दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? वो किस स्टेट ने दिया है? वो दिया है आपका मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा दिया है। कौन सा कंट्री है जो लॉन्च किया इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी? वो कौन है? एल सल्वाडोर है, ठीक है। चलिए 171 क्वेश्चन पूछता है, स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया ए हेल्प प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन, वो कौन सा है? उत्तराखंड स्टेट है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के हिसाब से द नंबर ऑफ टाइगर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड, यू कितना बढ़ा? 3167 बढ़े हैं टाइगर। किस पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है हाल ही में? वो है आम आदमी पार्टी को, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है ये। हाल ही में हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन IPL? जो 100 विकेट्स IPL में जो लिए हैं हाल ही में, वो कौन है? वो है हर्षल पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 175 ये कहता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह रिसेंटली क्या कहते हैं लॉन्च किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वो किस स्टेट में लॉन्च किए हैं? वो किए हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 176 कहता है, हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 6000 रन इन IPL? वो आपके कौन? डेविड वार्नर हैं, वो हैं आपके डेविड वार्नर। 177 क्वेश्चन पूछता है, इंडियन अमेरिका मैथमेटिशियन हैज़ बीन अवार्डेड 2023 इंडियन इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक, वो किसको मिला है? वो मिला है सी राधाकृष्ण राव को मिला है, ठीक है ना, सी राधाकृष्ण राव को मिला है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया ग्लोबल वॉचडॉग के द्वारा कि किस कंट्री के द्वारा स्टेटस दिया जाता है लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, किसको दिया गया है, ठीक है ना, वो दिया गया है आपको तिब्बत को, ठीक है। हाल ही में 179 नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है भरोसा ऐप, वो रिलेटेड किससे है? भरोसा ऐप रिलेटेड है वोमेन सेफ्टी से। हाल ही में किस स्टेट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबाई फुले अ पब्लिक हॉलीडे, वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान स्टेट है।
क्वेश्चन नंबर 181 कहता है, कौन सी कंट्री ने एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ लॉन्च किया है, एस जयशंकर ने लॉन्च किया तुलसीघाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ये आपका कहाँ का है, युगांडा का है, ठीक है, कहाँ का है, युगांडा का है। किस इंडियन ने, विच इंडियन हैज़ रिसेंटली चूजन द विनर ऑफ द टाइम 100 पोल, वो कौन है, शाहरुख खान है। किसने टॉप किया है फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में, वो है आपका अर्जेंटीना। विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज़ गिवन GI टैग, किसको मिला है, बनारसी लंगड़ा आम को भी मिला है और बनारसी पान को भी मिला हुआ है, दोनों को क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। इंडियन स्पेस ने स्टार्ट किया है सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड क्रायोनिक इंजन, वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, वो है स्काईरूट एयरोस्पेस के द्वारा। हाल ही में वुमेन वेटलिफ्टर हैं जिन्होंने बैन किया है 4 ईयर ऑफ फेलिंग अ डोप टेस्ट के लिए, वो किसको कहते हैं बैन किया है, वो है संजीता चानू को, मीराबाई चानू नहीं है, संजीता चानू है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विच स्टेट हैज टॉप इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसको किसने टॉप किया है, वो है आपका कर्नाटका स्टेट। क्वेश्चन नंबर 189-88 कहता है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 187, ठीक है, 188 कहता है, क्या कौन सा रिकॉग्नाइज किया गया ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, किसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वो रिकॉग्नाइज किया गया है मुंबई को। कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड की, जहाँ पे वर्ल्ड का पहला डेथ फ्रॉम H3N8 फ्लू के वजह से, बर्ड फ्लू के वजह से, ठीक है, ये है बर्ड फ्लू के वजह से हुआ है, ठीक है, जहाँ रिकॉर्ड किया गया है वो आपका कौन सा स्टेट है, चाइना है। क्वेश्चन नंबर 190 कहता है कि हाल ही में रिसेंटली ओपन किया गया पहला ब्रांच फॉर स्टार्टअप के लिए पहला ब्रांच कहाँ पे खोला गया है, वो आपका खोला गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने रिड्यूस किया इंडिया का ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 फ्रॉम 6.6% टू हाउ मच, वो कितना है, 6.30%, ठीक है। नासा ने अनाउंस किया है नेम्स ऑफ हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स लूनार मिशन आर्टेमिस 2, वो कितना किया है, 4 लोगों का। अब वो 4 लोगों का कौन कौन किया है वो आप लोगों को, उनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ कम टू वन क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 कहता है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है हाल ही में लॉन्च किया है क्या स्कूल चलो अभियान 2023। स्कूल चलो अभियान 2023 जो है वो लॉन्च किया गया है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट के द्वारा। कौन सा कंपनी है जो रिसेंटली लॉन्च किया है काराकैल पोर्ट को, काराकैल पोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो अडानी ग्रुप के द्वारा। किसको अपॉइंट किया गया है फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए, वो है आपका अमित रीजनल को, ठीक है ना। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क, वो कौन सा है आपका, हरियाणा स्टेट है। विथ हुम द प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट अंडर प्रोजेक्ट आखिस्तर, वो कौन है आपका, वो है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल। क्वेश्चन नंबर 198 कहता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट व्हेन इंडिया बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, सोलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड कब तक वो बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा 2026 तक बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 199 कहता है, कौन सा वो सिटी है जहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 कहता है, कौन कंडक्ट किया रीजनल लेवल सर्च फॉर रेस्क्यू एक्सरसाइज काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश, किसने किया है, वो आपका किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। 201 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु आर द चीफ गेस्ट ऑफ पासिंग आउट परेड ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर फ्रॉम आईएनएस चिल्का, वो कौन थे आपके, वो हैं आपके एडमिरल आर हरि कुमार जी थे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 202 है, कहता है क्या क्वेश्चन, कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज चेनाब रिवर, वो कितना है, 359 मीटर्स है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च्ड व्हीकल यूज्ड फॉर वन वेव इंडिया मिशन टू लॉन्च्ड बाय इसरो इन द मार्च 26, 2023, वो लॉन्च किया गया है आपका, वो लॉन्च किया गया है LMB-3 Mark 3 के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, जम्मू कश्मीर के पास जो है वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल में। क्वेश्चन नंबर 205 कहता है क्या कि हाईकोर्ट हैज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी वाइल हियरिंग द बेल प्ली इन मर्डर केस में, वो कौन है, पंजाब और हरियाणा स्टेट ने यूज़ किया है। रिसेंटली हु हैज बिकम द कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सिविलियन ऑनर केरला ज्योति इन केरला, वो कौन है आपका, एमटी वासुदेव नायर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 207 कहता है क्या, किसको सेलेक्ट किया है संगीत कला निधि अवार्ड 2023 के द्वारा वाई संगीत अकेडमी, किसको किया गया है सेलेक्ट, वो है बॉम्बे जयश्री को। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है डियरनेस अलाउंस और सेंट्रल एम्प्लॉय बाय 4% टू, वो कितना किया है 4% से कितना किया है, वो किया है आपका 42%। देखिए 209 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लुइस कैफ्रिली जो है अर्जेंटीना के, उन्होंने रिसीव किया एबल प्राइज 2023 में, ये फील्ड अवार्ड किसके द्वारा, अवार्ड गिवन बाई किसके द्वारा ये दिया गया है, ये दिया गया है आपका मैथमेटिक्स में दिया गया है, किसको दिया नहीं गया है, इस फील्ड में दिया गया। किस स्टेट ने रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास राइट टू हेल्थ बिल जो है वो किसके द्वारा किया गया है, वो है आपके राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 कहता है टिम पाइन जो है रिटायर किया गया, ऑल फॉर्मेट से रिटायर हुए हैं, वो हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं। लैंग्वेज फेमस राइटर जो है, कौन सा लैंग्वेज है जिसमें फेमस राइटर शिव शंकरी ने रिसीव किया है सरस्वती सम्मान ऑफ द ईयर 2022 का, उनका जो ऑटोबायोग्राफी था क्या, सूर्यवंशम था उनका। ठीक है, वो किसमें मिला है, तमिल में मिला उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 कहता है क्या, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन द ईयर 2023, ये है आपका 126वां। हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट स्विम अक्रॉस द पाक स्टेट अंडर 21 ग्रुप, वो है कौन, वो है आपके संपना रामेश सेलार। नेशनल ह्यूमनाइजेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 215, वो है 16 मार्च को। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमन बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है वो हेल्ड हुआ, वो हुआ है आपका नई दिल्ली में। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू बी द असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द US एयरफोर्स, किसको बनाया गया है असिस्टेंट मिनिस्टर डिफेंस एयरफोर्स का, वो है रवि चौधरी जी को बनाया गया है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलत ठीक नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाल ही में किसको बनाया गया नया एम्बेसडर अमेरिका का बनाया गया है एरिक गार्सेटी को। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज बाई सिप्री रिपोर्ट 2023, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, वो है कौन, भारत है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में, वो कितना है, 8। विच मेल क्रिकेटर हैज़ बीन अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी मंथ में, किसको मिला है, वो है आपका, वो कौन है आपके, हैरी ब्रुक हैं जो इंग्लैंड के हैं। हाल ही में सेलेक्ट किया गया व्यास सम्मान से किसको ईयर 2022 में, वो किया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2023, वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है आपका ब्रेंडन फ्रेजर को। फाउंडेशन डे ऑफ CISF जो होता है 10 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, वो कैथवा मनाया गया है आपका 54वां। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द कमांडर ऑफ अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, वो कौन है, वो है शैलिजा धामी है, उनको मनाया गया, उन्होंने मनाया। बाय व्हेन द रेलवे एम टू बिकम द नेट जीरो कार्बन इमिटर, वो कब तक होगा,
होगा 2030 तक। किसने रिसेंटली जीता है प्रित्जकर आर्किटेक्चर 2023, वो जीता है आपका सर डेविड चेपरफील्ड ने। बीबीसी जो है इंडियन स्पोर्ट्समैन हु किसने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, वो जीता है आपका मीराबाई चानू ने। हु बिकम द वोमेन वन द वोमेन सिंगल टाइटल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑफ 2023, वो है अनुपमा उपाध्याय। हेकानी झकलू जो है वो पहली वुमेन है एमएलए किस स्टेट की, भारत के किस स्टेट की, वो है हिमानी हेकानी झकलू। हेकानी झकलू जो है वो आपकी है नागालैंड की, ठीक है। किस वुमेन फुटबॉलर ने हाल ही में जीता है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, किसने जीता है एलेक्सिया पुटेलिस ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 233 कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया अमंग 55 कंट्री ऑफ द रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, भारत का कितना कैथवा रैंक है, तो जो भारत का रैंक है वो है आपका 42वां रैंक है, ठीक है ना। 232 नंबर क्वेश्चन पूछता है क्या कौन से फुटबॉलर हैं जो हाल ही में जीते हैं फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022, वो हैं आपके लियोनेल मेसी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 234 कहता है क्या कि वो क्रिकेट टीम बताइए जो जिन्होंने जीता है टाइटल आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023, तो जीता है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हु हैज अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड ब्रांड एम्बेसडर, इट्स नॉट ब्रांड हैंड इट्स ब्रांड ब्रांड और बी के साथ आर भी जुड़ा है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेवलॉन इंडिया, वो हमारे सचिन तेंदुलकर ग्रैंड मास्टर लिटिल मास्टर जिन्हें कहते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। टाइटल रणजी ट्रॉफी 2022-2023 का किसने जीता है, वो जीता है आपका सौराष्ट्र ने, ठीक है। और क्या कहते हैं विच वी हैव बिकम द फर्स्ट सिटी इन द अमेरिका टू ब्रैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो कौन सी सिटी है जो अमेरिका की जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया है बैन किया है सेटल ने क्या किया है इसको बैन कर दिया है। 238 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा वो फिल्म है जो ऑस्कर 2023 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी 95th एकेडमी अवार्ड के द्वारा है, वो है एलिफेंट विस्पर है, उन्होंने जीता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 239 कहता है कौन सा कैंपेन है थीम इंटरनेशनल वुमेन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March 2023, वो कौन है आपका एम्ब्रेस इक्विटी। विच बैंक हैज़ इशूड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, वो है आपका कौन सा बैंक है, वो बैंक है आपका यस बैंक, ठीक है, यस बैंक ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 241 वो मीटिंग वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ SCO नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज़ बीन हेल्ड, ठीक है ना, वो हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के, कौन है, वो है अजय सिंह जी। विच कंट्री एम्बेसी लॉन्च स्पेनिश हिंदी फुटबॉल डिक्शनरी इन न्यू दिल्ली, सॉरी वो है स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रियम श्री के द्वारा इनिशिएटिव चलाया जाता है, वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के से रिलेटेड है। कौन सा इंडियन यूथ प्लेयर है जिसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, वो जीता है आपका धनुष लोगांथन ने। कौन से किसको अपॉइंट किया गया एंट्री कैप्टन ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर, वो किया गया है आपको नीतीश राणा को। किस बैंक ने अक्वायर्ड किया ऑल डिपॉजिट एंड लोन्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक, वो कौन है, फर्स्ट सिटीजन बैंक। हाल ही ने इसरो ने लॉन्च किया हाउ मेनी सैटेलाइट नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड नेटवर्क वेब वन वेब साइमल्टेनियसली, वो किसको किया है, वो किया है आपका 36 सैटेलाइट को। हु हैज बिकम द सेकंड इंडिया टू विन मोर देन वन गोल्ड मेडल इन वोमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, किसने जीता है, वो है निकत जरीन ने। किसको कॉन्फर किया गया है आसाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आसाम वैभव फॉर द ईयर 2023, वो कौन है, डॉक्टर तपन सैकिया को। किस टीम ने जीता वुमेन्स प्रीमियर लीग को,
वो जीता है किसने? मुंबई इंडियंस ने। कौन से सिटी को ने इनोग्रेट किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट को सेटअप ऑल अप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो कौन सा है? हल्द्वानी। कौन बन गया है सीईओ ऑफ ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली? सीईओ बना है ग्रामरली का, किस ग्रामरली का जो सीईओ किसको बनाया गया है? वो है राहुल रॉय चौधरी जी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254 कहता है कौन सी कंट्री है जो हॉकी फेडरेशन को रिसेंटली ऑनर की है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द हॉकी एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा, वो कौन सी कंट्री है? वो है आपकी इंडिया। 255 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कंट्री ने रिसेंटली जो हाल ही में बन गया है न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो बन गया है इजिप्ट। कौन सा वर्ल्ड वाटर डे का जो सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन नंबर 257 है वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप हेल्ड, ये कहाँ हुआ है आपका? उदयपुर में हुआ है। हु हैज़ लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग ऐप, कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसने जीता है टाइटल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का अवार्ड, वो जीता है आपका, किसने जीता है? वो जीता है सर्गियो परेज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 260 जो कहता है क्या, हु हैज़ टेकन ओवर द सीईओ ऑफ कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स, स्टारबक्स की कंपनी का जो सीईओ कौन है? वो लक्ष्मण नरसिम्हन है। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट ऑफ ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, वो कौन है आपके? सरबजीत सिंह जी हैं। ठीक है, ठीक है, सरबजीत सिंह जी हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 262 कहता है क्या कौन सा इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है जिनको अवार्ड किया गया नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा, किन किस एक्ट्रेस को मिला है ये? ये मिला है मिंडी कालिंग को मिला है, मिंडी कालिंग को। किसको कौन एक्वायर्ड किया है स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक के द्वारा बाय फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, वो किसने एक्वायर्ड किया है, किसके द्वारा एक्वायर्ड किया गया है? वो UBS बैंक ग्रुप के द्वारा एक्वायर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 264 कहता है हु हैज वॉन द सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन वेल्थ मास्टर रिसेंटली, वो किसने किया है, किसके किसको मिला है? वो मिला है मैट एबडन को। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन ATP मास्टर 1000 टाइटल, वो किस कौन जीता है? रोहन बोपन्ना को। कौन सा कंट्री क्या है हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल सिनेमा स्ट्रेटर्जी, वो किया है किसने? UAE ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 267, इन हाउ मेनी स्टेट विल PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क टू बी सेटअप, वो कितने स्टेट में हुआ है? 7 स्टेट में हुआ है। किस एयरपोर्ट ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड टॉप एयरपोर्ट रिलीज्ड बाय Skytrax, किसने टॉप किया है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 269, हु हैज बीन स्वॉर्न इन द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, वो कौन है? राम सहाय प्रसाद यादव जी हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस, वो कौन है आपका? IDFC फर्स्ट बैंक है। यूनियन मिनिस्टर जो है अनाउंस किया है 10% रिजर्वेशन ऑफ एक्स अग्निवीर, वो किस वो सिक्योरिटी फोर्स वो कौन सा है? यूनियन मिनिस्टर जो है अनाउंस किया 10% रिजर्वेशन ऑफ एक्स अग्निवीर इन विच सिक्योरिटी फोर्स, किस सिक्योरिटी फोर्स में? वो है CISF के। रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ऑनर ऑफ द ईयर 2023 बाई इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं आपके शक्तिकांत दास जी को। हु हैज़ लॉन्च द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट फोर जो है वो किसके द्वारा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है? वो OpenAI के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है। हु हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ट्रैवल कौन है? सुरेखा यादव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 275 कहता है क्या हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इन इंडिया, वो कौन है आपकी? वो श्रेया घोदवाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 276 कहता है क्या कि कौन सी कंपनी है जो रिसेंटली लॉन्च किया स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बाई RBI, वो आपकी कौन है? IRDA। ठीक है, कौन सी सिटी है G20 फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज यहाँ पे हुआ है? वो आपका ऑर्गेनाइज हुआ है नई दिल्ली में। कौन सा मूवी सॉन्ग है नाटू नाटू जिसको मिला है
क्या कहते हैं फिल्म फेयर ऑस्कर अवार्ड 295 ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है, वो कौन है, ट्रिपल आर है। क्वेश्चन नंबर 279 कहता है कौन सा कंट्री है जो भारत का साइन किया है MOU ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉपरेशन में, वो मिला है आपका मैक्सिको को। कौन सी एक्ट्रेस है जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड ऑस्कर अवार्ड उनको मिला है 2023 में, वो मिला है आपका, वो मिला है मिशेल यो को पता नहीं क्या जो भी है, ये वो जो भी है ये ओ है वही उन्हीं को मिला है, ये वो वही हैं बस, ठीक है ना। कौन सा बैंक है अमेरिका का जो डिक्लेयर किया इटसेल्फ अ बैंक करप्ट खुद को कर रही है, वो कौन, सिलिकॉन वैली बैंक है। कौन सा स्टेट है जहाँ पे पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया पहला लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे नेटवर्क, 1507 मीटर का है ये कौन सा स्टेट है, कहा है ये कर्नाटका स्टेट का है। किस टीम ने जीता है 76वां एडिशन संतोष ट्रॉफी का, वो जीता है किसने, कर्नाटका स्टेट ने। रेस्ट ऑफ इंडिया वॉन द प्रेस्टिजियस ईरानी कप बाई डिफीटिंग होम, किसको हरा करके बना है, वो मध्य प्रदेश ने को। कौन सा पहला फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज ऑर्गेनाइज ऑन विच एयरक्राफ्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था किस नेवल क्राफ्ट के ऊपर, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ये मनाया गया था, वो है INS शार्दुल। हु हैज बिकम द 81st चेस ग्रैंड मास्टर, ये क्या कहते हैं भारत के वो बने हैं, ठीक है ना, वो बने हैं आपके सयंतन दास को बनाया गया। थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ 2023 का जो थीम है वो क्या है, वो थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किस स्पोर्ट्समैन ने जीता है गोल्ड मेडल इन द मेन शॉट पुट इवेंट EFI नेशनल थ्रो चैंपियनशिप में, ये जीता है किसने, यह है तेजिंद्री पाल सिंह तूर को ने जीता है। एक्सरसाइज दस्तलीक है 2023 का जो ऑर्गेनाइज किया गया भारत और किस कंट्री के बीच में, वो है आपके उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में हुआ है। कौन से ऑथर हैं बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, सॉरी दोस्तों ये रचना बिष्ट रावत जी को मिला है, ठीक है, रचना बिष्ट रावत जी को ये मिला है। क्वेश्चन नंबर 291 कहता है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एशियन चेस फेडरेशन में, किसको मिला है, डी गुकेश को मिला है। इंटरनेशनल IMF ने गिवन अ बेल आउट पैकेज ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर टू श्रीलंका फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, IMF ने दिया है फाइनेंशियल क्राइसिस में $3 बिलियन। हु वॉन द वुमेन सिंगल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो किसने जीता है, वो जीता है आपका अनुपमा उपाध्याय जी ने जीता। अमेरिकन स्पेस एजेंसी NASA ने अपॉइंट किया किसको साइंटिस्ट चीफ किसको अपॉइंट किया है, वो है निकोला फॉक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसको कौन इलेक्ट हुआ है द नेक्स्ट लीडर ऑफ द स्कॉटिश नेशनल पार्टी को किसने किया है, वो है हमजा यूसुफ। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम की किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है क्रैग फल्टन को। कौन से सिटी किन विच सिटी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट द एग्री यूनिफेस्ट किया गया है बेंगलोर के द्वारा। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है परचेज ऑफ हाउ मेनी STT-400 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, वो कितने किए हैं हाल ही में, वो किए हैं आपके करीबन 60। रिसेंटली समीर खक्कर ने, हाल ही में उनका निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है ना, वो किस फील्ड से, सॉरी ये 60 नहीं होगा, ये 70 होगा आई थिंक, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, ठीक है। और समीर खक्कर जी हैं जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, वो एक्टिंग से रिलेटेड थे। कौन क्या थीम है नेशनल साइंस डे का, जो थीम क्या है, किसका नेशनल साइंस डे 2023 का क्या थीम है, ये थीम है आपका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 301 जो है कौन बन गया पहला हाईकोर्ट ऑफ द कंट्री टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज, वो कौन सा है, वो है आपका गुजरात हाईकोर्ट जो है, वो गुजरात हाईकोर्ट नहीं है सॉरी केरला हाईकोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 302 कहता है किसको अपॉइंट किया गया यूनिसेफ भारत का नेशनल एम्बेसडर, ठीक है ना, यूनिसेफ इंडिया से नेशनल एम्बेसडर किसको चुना गया है, वो है आपके
आयुष्मान खुराना जी को चुना गया है। इंडिया का जो 80वां ग्रैंड मास्टर चेस है वो किसने जीता है? वो जीता है विग्नेश एनआर ने। हाल ही में किसको ऑनर किया गया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड के से किसको चुना गया है? वो चुना गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को। हाल ही में स्टेट का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट नॉर्थ इंडिया में सेटअप किसके द्वारा किया गया है? वो है हरियाणा के द्वारा। वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट एग्री चैटबॉट अमा खुरसई हैज़ बीन लॉन्च्ड? वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? वो लॉन्च किया गया है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। कौन बन गए CEO नीति आयोग के? नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन से कंट्री है रशिया की जो रिसेंटली ब्रोक की है ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट? वो कौन है आपका, कौन सा कंट्री है? वो है आपका अमेरिका। किस फिल्म को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 का? ये किसको मिला है? ये मिला है आपका द कश्मीर फाइल को। किस क्रिकेट टीम ने जीता रणजी ट्रॉफी 2022-2023 का टाइटल? वो जीता है आपका सौराष्ट्र ने। किसको रिसीव किया बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ बाफ्टा अवार्ड? बाफ्टा अवार्ड जो है किसने रिसीव किया? वो ऑस्टिन बटलर हैं, उन्होंने रिसीव किया है। हाल ही में अपॉइंट किया गया द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। कौन वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी किसको अपॉइंट किया गया है? वो अपॉइंट किया गया MV सुचिंद्र कुमार को किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द यूट्यूब? यूट्यूब का जो नया CEO है वो कौन बनाया गया है? नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 314, हु हैज़ बिकम द इंडियन फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20? वो वोमेन पूछ रहा है, ठीक है ना, वोमेन क्रिकेटर के बारे में पूछ रहा है। वो कौन है आपकी? दीप्ति शर्मा जी हैं, उनको मिला है, उन्होंने जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 315 कह रहा है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022? किसने जीता है? ये जीता है अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने जीता है। रिसेंटली जो फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है ICC वर्ल्ड कप ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, वो किसने जीता है आपका? ग्रेस क्रीवेंस हैं जो इंग्लैंड की, उन्होंने जीता है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? वो आपके कौन है जिन्होंने हर फॉर्मेट में सेंचुरी मारा है? वो हैं रोहित शर्मा जी। ठीक है, इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट क्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज़ बीन ओपन्ड? इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ है? वो कश्मीर में ओपन हुआ है। फ्रेंच प्लेयर राफेल वारने जो रिटायर्ड किए हैं इंटरनेशनल गेम से, वो किससे एसोसिएटेड है? वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। किस कंट्री के एरॉन फिन जो है रिटायर किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? वो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। किस स्टेट गवर्नर ने लॉन्च किया है स्कीम लाडली बहन? लाडली बहन जो है वो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? वह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच राइजिंग डे हैज़ द इंडियाज कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड 1 फरवरी 2023? वो कैथवा बनाया गया है, वो 47वां बनाया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स IAF के जो वाइस चीफ बनाए गए, वाइस प्रेसिडेंट ने वाइस चीफ जो बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है अमरप्रीत सिंह जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 324, कौन सी टीम है जिसने जीता है टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका जर्मनी ने। कौन जो है जीता है मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को? वो जीता है नोवाक जोकोविक ने। वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का टाइटल किस देश ने जीता है? वो है आपका भारत ने जीता है। कौन सी एनिवर्सरी जो है लाला लाजपत राय की वो सेलिब्रेट होने वाली है, हो रही है 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जो एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट हो रही है, बर्थ एनिवर्सरी नहीं है, वो आपकी कैथवी वो 158वीं है। हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ ICC अवार्ड 2022? किसने जीता है? नेट शाइवर जी जो है वो इंग्लैंड की, उन्होंने जीता है। हु हैज़ वॉन द मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ICC वर्ल्ड कप 2022?
तो वो हैं कौन, बाबर आजम है जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, तो ये कौन है, भारत देश है अपना प्यारा वो है। इंडियन अमेरिकन जो है रिसेंटली प्रेजेंटेड द कैंडिडेचर ऑफ द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शनशिप इलेक्शन, वो किसको मनाया गया है, वो हैं आपके विवेक रामास्वामी हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 32, कौन बन गया है पहला अमेरिकन सिटी टू जो कास्ट डिस्क्रिमिनेट करा, वो है सीटेल, ठीक है। किसको बनाया गया, अपॉइंट किया गया है कैप्टन ऑफ सनराइजर हैदराबाद फॉर आईपीएल के सनराइजर हैदराबाद का जो है कैप्टन बनाया गया है आयदन मरक्कम को। कौन सा स्टेट है जो वहाँ पे फ्रोजन लेक हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज है, वो आपका है लद्दाख। हु हैज़ बीन चोजन बाय द BCCI एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग, वो कौन है, टाटा ग्रुप है। इंडियन रेलवे ने हाल ही में कंप्लीट किया इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल बोर्ड गॉज रूट इन विच स्टेट, वो आपका है उत्तर प्रदेश स्टेट है। अगला क्वेश्चन नंबर 337 कहता है विच फिल्म हैज़ चूजन द फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल प्राइस फेस्टिवल 2023, वो फिल्म का नाम है आपका RRR। हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफ द बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप, वो किसने जीता है, वो आपका जीता है इंडिया ने। कौन सा स्टेट है जहाँ पर इंडो उज्बेकिस्तान बाइलिनियल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रहा है 10 लीग 2023, कहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है उत्तराखंड में, ठीक है। 340 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी कंट्री है जो इलेक्ट कर रही है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ द सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, वो कौन सी कंट्री है, वो है आपकी इंडिया। फ्रॉम विथ हुम डिड AICT लॉन्च द नेशनल लेवल ऑफ हैकाथॉन कवच 2023, वो कौन है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 342 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI चैटबॉट रिलीज बाय UIDAI रिसेंटली, वो कौन सा चैटबॉट है, आधार साथी है वो है चैटबॉट का नाम। विच इंडियन टेक स्टार्टअप अनवील द सोलर पावर ड्रोन सूरज एट द एरो इंडिया 2023 शो में, वो कौन सा है ड्रोन, उसका नाम है आपका गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। विच फिनटेक कंपनी हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट लेक्सी जो है वो किसके द्वारा करा गया है, वो वेलोसिटी के द्वारा किया गया है। कौन सा स्टेट है PM मोदी ने इनोग्रेट किया है जल जन अभियान के द्वारा, वो किया है आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। किसने अपॉइंट किया है मेंटर ऑफ द रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेंस क्रिकेट टीम का, किसको अपॉइंट किया गया है, वो सानिया मिर्जा को किया गया है। कौन सा कंट्री है जहाँ जिसने 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, ये आपकी फिजी कंट्री है, उसने किया है, ठीक है। विच हैज स्टार्टेड एट द मैन्युफैक्चर द स्वान ड्रोन सिस्टम इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी, वो कौन सा है, वो है आपका अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। कौन पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट हैं जो कि सऊदी अरेबिया की, जिन्होंने इन्वॉल्व हुई हैं मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो हैं आपका रायना बारनवी हैं जो वो उन्होंने मतलब इन्वॉल्व हुई हैं। हेल्दी माइंड हेल्दी होम इज़ द इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, यू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है। हाउ मेनी बिलियन डॉलर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन द अर्थक्वेक अफेक्टेड इन टर्की, कितना वर्ल्ड बैंक ने आवंटित किया है, वो है 1.78 बिलियन डॉलर। कौन बन गया है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, वो बन गया है कौन, BD मिश्रा जो है वो बन गए हैं। कौन सी टीम जो है वो इंडिया स्टार बैट्समैन स्मृति मंदाना इन द फर्स्ट, वो कौन सी टीम की हैं, फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग के ऑक्शन में उन्होंने उनको खरीदा है, वो कौन सी टीम है, वो RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जो थीम है एरो इंडिया 2023 का शो का, वो क्या है, रन अवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 355 कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लिथियम रिजर्व फाउंड हुआ है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लिथियम रिजर्व फाउंड हुआ है, जम्मू कश्मीर हमारा। रिसेंटली इसरो ने इंस्टॉल्ड किया है मैनी सेटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट विथ SSLV-D2 रॉकेट के द्वारा, वो कुल मिलाकर के कितने हैं, वो है 3। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021,
वो कितना है आपका, वो 10 है। डिजिटल पेमेंट उत्सव जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी सिटी है जहां पर मीटिंग ऑफ अर्बन 20 सिटी शेरपास का ऑर्गेनाइज हुआ है, वो ऑर्गेनाइज हुआ है आपका अहमदाबाद में। गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस द 5th डोज ऑफ COVID-19 वैक्सीन टू ऑल सिटीजन एट द एज ऑफ 18 एंड अबव, वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 361 कहता है क्या कि AI पावर्ड चैट बॉक्स है जो लॉन्च किया है गूगल्स रिसेंटली, वो कौन सा है चैट बॉक्स, वो आपका चैट बॉक्स है आपका बार्ड। हाल ही में वेक जो है रिसेंट अर्थक्वैक है टर्की और सीरिया का, जिनका नेम दिया गया ऑपरेशन बींग कैरिड आउट बाई इंडिया, वो आपका कौन सा है, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त के द्वारा किया गया है। हु हैज़ won द ADT बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, किसने जीता है, वो है NTPC ने जीता है। कौन बन गया है पहला सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड, किसने जीता है, वो है आपका इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जीता है। 365 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा म्यूजिक कंपोजर है भारत का जिसने जीता है प्रेस्टीजियस ग्रैनी अवार्ड 2023, प्रेस्टीजियस ग्रैनी अवार्ड 2023 जो है वो किसने जीता है, वो जीता है आपका रिकी केज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 366 कहता है क्या, कौन सी कंट्री है जो बनी है फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो है आपकी ब्राज़ील। हु हैज़ लॉन्च व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी फॉर पैसेंजर, वो कौन है, इंडियन रेलवेज है। डिजी यात्रा फैसिलिटी जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड, डिजी यात्रा जो है फैसिलिटी विल बी इम्प्लीमेंटेड एट हाउ मेनी मोर एयरपोर्ट इन द कंट्री, कितने कंट्रीज में होगा, 4 कंट्री में। किसने साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, किसने साइन किया है, ये साइन किया गया है कॉन्गो के द्वारा, ठीक है। कौन सा इंडियन रेसलर है जिसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल इन ज़ग्रीव ओपन चैम्पियनशिप में, वो आपका जीता है, किसने जीता है, वो जीता है आपका अमन शेरावत ने, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 371 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि हु हैज बिकम द यंगेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, वो आपके कौन है, शुभमन गिल हैं। कौन सा स्टेट टीम है जिसने जीता है ऑल 4 गोल्ड मेडल इन द वाटर स्पोर्ट कैनोइंग एंड काइकिंग इन द खेलो इंडिया यूथ गेम, कौन सा स्टेट है उसने जीता है, वो है मध्य प्रदेश स्टेट है उसने जीता है। हाउ मेनी लाख करोड़ रुपीज़ कैपिटल आउटले हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द इंडियन रेलवे इन द यूनियन बजट ऑफ 2023, वो कितना है, करीबन 2.40 लाख करोड़ रुपीज़ है। हाउ मेनी टूरिस्ट प्लेस विल बी डेवलप्ड अंडर द कंप्लीट टूरिज्म पैकेज, टूरिस्ट प्लेस जो होगा डेवलप किया जाएगा अंडर द कंप्लीट टूरिज्म पैकेज में, वो कितना होगा कुल मिलाकर के, वो होगा 50। एज पर द बजट 2023-2024 व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ITR, वो कितना है आपका, 16 दिन है। इन द बजट ऑफ 2023-2024 गवर्नमेंट हैज़ प्रेजेंटेड द टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड, वो कितना है अराउंड आपका, वो है 45.03 लाख करोड़ रुपीज़ है। क्वेश्चन नंबर 377 कहता है व्हाट इज द फोरकास्ट ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ रेट इन ईयर ऑफ 2023 एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ IMF, वो कितना है आपका, 6.1% है। विच स्टेट टैबल्यू इंक्लूडेड इन द 74th रिपब्लिक डे परेड हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द फर्स्ट प्राइज, किस स्टेट को मिला है, वो है उत्तराखंड स्टेट को मिला है। विच बजट हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल के किसको मिला है, वो मिला है 2023-24 के लिए मिला है। कौन सा स्टेट है जो अनाउंस किया है मंथली अलाउंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो कौन है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। किस सिटी ने 3rd नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया है, वो है कौन, अहमदाबाद, ठीक है ना। व्हाट हैज़ बीन अनरीनेम्ड एज द मुगल गार्डन एज द राष्ट्रपति भवन, वो कौन है, अमृत उद्यान है वो, उसको किया है, ठीक है। इंडिया अंडर 19 वुमेन्स क्रिकेट टीम जिसने जीता है T20 वर्ल्ड कप डिफीटिंग विच टीम ऑन द फाइनल, किसको हरा करके जीता है, वह इंग्लैंड को।
क्वेश्चन नंबर 384 कहता है क्या, किस टीम ने जीता है टाइटल ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को, वो किसने जीता है, जर्मनी ने। कौन सा स्टेट है जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2022 का, जहां ये हेल्ड हुआ है, ये हेल्ड हुआ है आपका कहां पे, कहां पे मतलब ये हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है। इंडिया ने MOU साइन किया किस कंट्री के साथ फॉर 12 चीता इन इंडिया एनुअली, वो किसके साथ इन्होंने किया है, वो साउथ अफ्रीका के साथ किया। बजट 2023-24 में किस, हाउ मेनी विजन्स हैज बीन टोल्ड फॉर अमृतकाल, अमृतकाल के लिए ये कितने विजन्स को किए हैं, वो है 3। इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन नॉमिनेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल इन द US एयर फोर्स, वो किसको किया गया है, वो किया गया है आपको राजा जे चारी को। क्वेश्चन नंबर 389 कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन, इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन जो है उसका नाम क्या है, इनकोवैक है। किसको अपॉइंट किया गया, न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे का न्यू जनरल मैनेजर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है, नरेश लालवानी जी को किया गया है नियुक्त। 391 क्वेश्चन कहता है किसने डेवलप किया विजिबल इमिशन ऑफ लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड ऑफ इसरो आदित्य L1, किसके द्वारा किया गया, ये IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 392 कहता है कौन सा डेट है जहां पर वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड कैंसर डे जो सेलिब्रेट होता है आपका वो होता है 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 393 कहता है गूगल ने परेड किया है ट्रिब्यूट टू एक्ट्रेस मलयालम सिनेमा ऑन हर 120th बर्थडे एनिवर्सरी थ्रू अ डूडल, वो किसको किया है, वो किया है आपको पीके रोसी को, ठीक है ना। किसको अपॉइंट किया गया है, पहली वुमेन PM ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री इक्वेटोरियल गुएना को, गुएना मतलब जो ये कंट्री है उसकी किस वुमेन को PM नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है आपकी मानुएला रोका बोटी को, ठीक है। 395 क्वेश्चन नंबर है कौन सा स्टेट है PM मोदी ने इनोग्रेट किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एज अ ग्रीन, एक ग्रीन हिल हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, किस स्टेट में ये इनोग्रेट किया है, ये इनोग्रेट किया है कर्नाटका स्टेट में। कौन सा सिटी है जहाँ पर मीटिंग G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, वो ऑर्गेनाइज हुआ है जोधपुर में। कौन सा इंडियन एथलीट है वोमेन गोल्ड, कौन सा एथलीट है जिसने गोल्ड मेडल जीता है ऑन शॉर्ट पुट इवेंट एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में, वो जीता है तेजिंद्र पाल सिंह तूर ने। कौन किसको अपॉइंट किया गया नया MD और CEO फाइजर इंडिया का किया गया है मीनाक्षी नियोतिया को, क्या कहते हैं किया गया है। 399 नंबर क्वेश्चन कहता है रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया है टू बैन सेल ऑफ गैस डीजल कार्स ऑफ विच ईयर, किस ईयर तक के लोगों मतलब कार्स को ये बैन करने की बात किया है, ये बैन करने की बात किया है ईयर ऑफ 2035 तक का, मतलब कार या बाइसिकल को क्या किया है बैन करने की बात किया यूरोपियन यूनियन ने। इन व्यू ऑफ साइक्लोन गैब्रियल विच कंट्री हैज डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी किसने डिक्लेयर किया है, वो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 401 क्या कहता है वेयर वाज द थर्ड ऑरेंज फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेट किया गया, ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया है, ये सेलिब्रेट किया गया है आपका इम्फाल मणिपुर में। ऑन द ईव ऑफ 74th रिपब्लिक डे 2023 6 पद्म 9 पद्म विभूषण एंड हाउ मेनी पद्मश्री वेयर अनाउंस अंडर द पद्मा अवार्ड 2023, वो कितना अनाउंस किया गया है, वो 91 अवार्ड अनाउंस किया गया है। जनवरी 24 को नेशनल गिरी गर्ल चाइल्ड डे जो है सेलिब्रेट किया गया ऑनर ऑफ विच वुमेन, किस वुमेन के और ऑनर में किया गया, वो इंदिरा गांधी हैं। कौन बन गया न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है आपका विक्रम देवदत्त को बनाया गया है। बर्थ एनिवर्सरी पराक्रम दिवस जो है वो किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, 23 जनवरी को वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका, वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, ठीक है ना, पराक्रम दिवस। इंडिया फिल्म जो है नॉमिनेट किया गया डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए, वो कौन है, एलिफेंट जो है आपका क्या है, आपका एलिफेंट विस्पर है, द एलिफेंट विस्पर उसको मिला है। हाउ मेनी पर्सनल हैज़ बीन अवार्डेड एट द प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ 2023, वो कितना मिल गया है, वो कितना मेडल मिला है, वो आपको मिला है 47।
हू हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूएस स्टेट इन मैरीलैंड, वो कौन सा है, अरुणा मिलर को मिला है। विच ऑनर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पोस्थमस ऑफ मुलायम सिंह यादव, पॉपुलरली नोन एज सन ऑफ द अर्थ। ओ माय गॉड, सन ऑफ द अर्थ उनको कहा जाता था। एक अच्छी, ये बहुत ही प्रख्यात नेता थे, उत्तर प्रदेश के धरती से इनका क्या था ज़्यादा जुड़ाव था। समाजवादी पार्टी के क्या थे ये फाउंडर भी थे। ये इनका जो इनको कौन सा मिला है अवार्ड मिला है, आपका पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। 410 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप रिसेंटली, वो किसको मिला है? वो मिला है आपका कुनालवत विति दसरन को मिला है। कुनालवत विति दसरन को मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 411 क्या है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया किस आईआईटी के द्वारा? तो ये टेस्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस लैंग्वेज के पोएट को नीलामी पुकान, जो कौन से लैंग्वेज, विच लैंग्वेज पोएट नीलामी पुकान जो हाल ही में पास हो गए, वो किस लैंग्वेज से एसोसिएटेड थे? वो आपके एसोसिएटेड थे असमी लैंग्वेज से। तो आज दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, क्योंकि आज पार्ट वन है इस करंट ये ऑब्जेक्टिव सेशन का, स्पीडी के करंट अफेयर का। आज ये पार्ट ए मैंने कराया है, कल 200 क्वेश्चन जो है या 400 क्वेश्चन, जो अगला 400 क्वेश्चन है मैं वो अगले कल सेशन में कराऊंगा। होप है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। प्लीज़ अपटूडेटेड रहें, पढ़ाई करते रहें। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में भी अब क्या है, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा समय शेष नहीं है, इसलिए समय को ज़्यादा व्यतीत इधर उधर ना करें, अपने पूरे तरीके से एफर्ट को लगाएं। देखिए मैं अपने तरफ से पूरी एफर्ट लगा के चीज़ों को कर रहा हूँ। हमारा मेडिवल हिस्ट्री भी कई हद तक जो है अब कंप्लीट होने को कगार पे है, और साथ ही साथ क्या है कि आपको, आपसे भी मैं अनुरोध यही करूँगा कि आप लोग पूरे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहें। देखिए एक हाथ से कभी भी ताली बजती नहीं है दोस्तों, आपको भी क्या है कि पूरे तरीके से क्या होगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर एफर्ट आप लोग नहीं प्रॉपर लगाएंगे तो क्या होगा, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एफर्ट के साथ साथ आपको पूरा अपना दिमाग लगाते हुए और सारे सिस्टम को एक साथ एकत्रित करते हुए अपनी पढ़ाई करनी होगी दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग अपने पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं। देखिए बिना पढ़ाई की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, और बिना देखिए अब टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। 8 घंटे, अब 6 घंटे, 5 घंटे जो भी आवर पढ़ रहे थे, 8 से 9 घंटे की आप सेटिंग लगाइए। और देखिए एमसीक्यू कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सारे फैक्ट तभी याद रहेंगे ना, ये सारे एमसीक्यू जब तक आपके सामने एमसीक्यू सारे जाएंगे, कम से कम होगा 20,000 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करना होगा। 20,000 से कम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको नहीं करके जाना है। अगर आपको श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए तो आपको डेली के डेली 400 से 500 एमसीक्यूज़ को रोज़ डेली सॉल्व करना है। डेली नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो 200-300 क्वेश्चन तो आपको डेली सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, और अगर कोई दिक्कत हुई होगी या कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए आज के लिए काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।